देश में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,732 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 279 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना के 1,01,87,850 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 97 लाख अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं। भारत में फिलहाल 2,78,690 एक्टिव केस बचे हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में अब तक 97,61,538 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,47,622 पहुँच चुका है। देश में कोरोना की जाँच का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में 16.80 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की कोरोना जाँच हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में शनिवार 27 दिसंबर तक 16,81,02,657 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 9,43,368 टेस्ट कल किए गए हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।